आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ एक्स डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स डी एक्स एंड वाई ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, देन वी नीड टू कैलकुलेट द वाई टू। ओके, तो हमें देखो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो नोट डाउन करते हैं। एक्स डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन प्लस वाई एन होल टाइम्स डी एक्स। ओके, तो अपन देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं dy by dx is equal to under root of x square plus y square, okay students, plus y divided by x। अब यहाँ पर अपन क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखो ये अंडर रूट है, यहाँ पर पावर अंडर रूट के अंदर 2 है, तो अंडर रूट से बाहर होने पर ये पावर 1 हो जाती है। ठीक है, तो ऊपर भी पावर 1 है, नीचे भी पावर 1 है, इट मीन्स इट्स अ होमोजेनियस इक्वेशन। तो वी कैन साइड लेट हियर दैट सिंस इट इज homogeneous equation, okay students, so let here we can let that the y is equals to v times of x, okay students। अब अपन क्या कर सकते हैं इसका differentiation, so basically dy by dx is equals to uv method से solve करेंगे, तो v plus x times of differentiation of v is dv by dx, okay students। तो अपन इसको पुट कर सकते हैं dy by dx की जगह पे लिखते हैं v plus x times dv by dx is equals to under root of x square plus y square को अपन लिख सकते हैं v square x square, okay students, plus v again can be written as vx and y can be written as vx divided by x। तो देखो यहां से अपन का क्या निकलता है is equals to when we take x square as common from the under root what we will get x times of under root of 1 plus v square plus here, अब यहां से भी अपन देखो x कॉमन ले सकते थे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको प्लस v एंड डिवाइडेड बाय x, सॉरी प्लस v एंड डिवाइडेड बाय x, तो यहां से अपन को क्या मिलेगा एट द एंड 1 प्लस v स्क्वायर का पूरा अंडर रूट एंड प्लस v, और ये किसके इक्वल है v प्लस x टाइम्स ऑफ dv बाय dx के। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यहां से देखो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा अपने पास x टाइम्स dv by dx is equals to under root of 1 plus v times of whole square। ओके, तो देखो यहां से अपन का क्या निकल सकता है dv by under root of 1 plus v square is equals to dx, ओके स्टूडेंट्स, dx by x। अब अपन दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं तो यहां से टर्म बन के आ जाती है। यहां से अपन देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx by under root of a square plus x square, okay? तो किसके इक्वल होता है log of mod x plus under root of a square plus x square, okay students, plus constant term c। तो यहां से अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या मिलता है अपन को log of mod v plus under root of a square, it means 1 square 1 plus v square, okay students, is equals to the integration of dx by x। So इसका ही formula होता है integration of dx by x is equals to log of mod x plus constant term c, okay students। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं इसको, देखो log of simply mod x plus constant term c। अब अपन v को replace कर सकते हैं, किससे replace कर सकते हैं, v is nothing but equal to y divided by x, v is equals to y divided by x। तो अपन यहां से देखो अपन क्या लिख सकते हैं इसे, अब अपन लिखेंगे log of mod v की जगह लिख सकते हैं y divided by x plus under root of 1 plus y square divided by x square, okay students, is equals to log of mod x plus constant term c। यहां पे अपन को एक कंडीशन दे रखी थी इक्वेशन में, क्वेश्चन में कि y of 0 is equals to since we can write here y of 1 यहाँ पे अपन लिख सकते हैं देखो y of 1 is equals to 0, it means x equal to 1 पर y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं log of y की वैल्यू 0 कब x equal to 1 पर plus under root of 1 plus, ये कितना जाता है y की वैल्यू 0 x equal to 1 पर,
इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड वन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी, लॉग ऑफ, अब देखो यहाँ पे जीरो जाता है, ये अंडर, ये वन, वन प्लस जीरो इट मीन्स वन, अंडर रूट वन इट मीन्स वन, ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड वन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी, यहाँ से दोनों टर्म कैंसिल हो जाती है अपनी, सिंपली अपने पास क्या बचता है, यहाँ से अपन देख सकते हैं कि सी इज इक्वल्स टू जीरो, ओके स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स इक्वेशन अपने पास सिंपली ये निकल के आती है कि लॉग ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स, लॉग ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड एक्स, ओके। अब हमें क्या निकालना था, वाई ऑफ टू, इट मीन्स अब हमें निकालना है वेन एक्स इज इक्वल्स टू टू, तो वाई ऑफ टू निकालना है, तो यहाँ पर अपन को एक्स की वैल्यू सिंपली टू पुट कर देनी है, देखो यहाँ पर क्या मिलता है अपन को, लॉग ऑफ वाई डिवाइडेड बाई टू प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इट मीन्स टू स्क्वायर इज फोर, ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ टू। नाउ यहां से अपन को क्या निकाल सकते हैं, अपन देखते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ अंडर रूट सॉल्व मॉड वाई डिवाइडेड बाई टू प्लस, अगर इसमें से बाहर टू कॉमन लेते हैं तो ये कितना बचता है, फोर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट के अंदर एंड डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ टू। फिर स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे अपन इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस फोर एंड डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू लॉग टू, ओके स्टूडेंट्स। नाउ लॉग ऑफ, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, लॉग ऑफ मॉड वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस फोर एंड माइनस लॉग टू इज इक्वल्स टू लॉग टू, ये अपने कैसे लिखा, इसका फॉर्मूला होता है कि अगर लॉग ऑफ मॉड ए बाई बी है तो इसको लिख सकते हैं अपन लॉग ए माइनस लॉग बी, इट विल बी ऑल इन द मॉड, तो देखो यहां से अपना क्या निकल के आता है, लॉग ऑफ मॉड वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल्स टू, ये लॉग टू प्लस लॉग टू इट मीन्स टू लॉग टू, ओके स्टूडेंट्स, हेयर इट इज टू लॉग टू। अब देखो यहाँ पे आ जाता है लॉग ऑफ मॉड वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा अपना लॉग ऑफ टू टू द पावर टू, किस फॉर्मूला से कि ए, सॉरी यहाँ पे अपन अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ए लॉग ऑफ बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बी टू द पावर ए, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ से अपना क्या निकल के आ जाएगा, लॉग ऑफ, सॉरी यहाँ से अपन आप क्या कह सकते हैं, लॉग से लॉग अपना हट जाएगा तो सिंपली बचता है वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल्स टू, टू स्क्वायर बचता है, टू स्क्वायर इज फोर, ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल्स टू फोर माइनस वाई, अब दोनों तरफ अगर होल स्क्वायर करते हैं तो यह बनता है वाई स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल्स टू फोर माइनस वाई होल स्क्वायर, ओके, सो वाई स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल्स टू फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू फोर जा एट, सो एट वाई, अब यहाँ से वाई स्क्वायर से सिंपली वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचता है एट द एंड अपना, देखो ये आ जाता है अपना माइनस एट वाई को एल एच एस में लाते तो प्लस एट वाई इज इक्वल्स टू, ओके स्टूडेंट्स, सो सिक्सटीन माइनस फोर, ओके एट वाई इज इक्वल्स टू सिक्सटीन माइनस फोर, सो एट वाई इज इक्वल्स टू, ये आ जाता है ट्वेल्व, सो वाई इज इक्वल्स टू ट्वेल्व डिवाइडेड बाई एट, इट मीन्स वाई इज इक्वल्स टू थ्री डिवाइडेड बाई टू, ओके स्टूडेंट्स, और अपन क्या कह सकते हैं एट द एंड, हैंस हैंस वाई ऑफ टू इज नथिंग बट इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाई टू, एंड दिस इज गोना बी आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स ऑल, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।